नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है कंपटीशन कम्युनिटी में। मैं हूं आनंद कुमार और आज के इस लेक्चर में हम पिछले कुछ दिनों का छत्तीसगढ़ करंट अफेयर एनालिसिस करेंगे। और लास्ट टाइम हम अगर देखें तो 18 जून तक जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उन सबको हमने एनालिसिस कर लिया था। आज के इस लेक्चर में 19 जून से लेकर 30 जून तक जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन सबको यहाँ कवर करने वाले हैं। हाँ, लेकिन अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो वो मिलेगा आपको टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल से अगर अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में पिन किया हुआ है टेलीग्राम चैनल का लिंक। जिनको शिकायत रहती है कि टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो वर्क नहीं कर रहा है, क्लिक करने से टेलीग्राम चैनल पर आप ज्वाइन नहीं हो पा रहे, तो सबसे पहले आपको टेलीग्राम चैनल का ऐप डाउनलोड करना है। जो लोग टेलीग्राम चैनल का ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं उनके साथ ही ये प्रॉब्लम होता है कि उनका लिंक नहीं ओपन होता, ठीक है। या फिर आप टेलीग्राम का ऐप पे जाकर डायरेक्ट कॉम्पिटिशन कम्युनिटी /CGPSC वहां पर डालेंगे तो आप डायरेक्ट भी वहां से जुड़ सकते हो। तो पीडीएफ और नोटिफिकेशन के लिए टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा अगर अभी तक नहीं जुड़े हो तो। इसके अलावा करंट अफेयर से रेगुलर अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आने पे लाइक और शेयर भी कर सकते हैं, ठीक। चलिए शुरू करेंगे, लेकिन इससे पहले पिछले लेक्चर में हमने जितने टॉपिक्स को एनालिसिस किया था उसके आधार पर कुछ क्वेश्चन है यहाँ पर जिसका आंसर आपको नीचे कॉमेंट सेक्शन में करना है, करना जरूर है। और अगर अभी तक आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो पहले उस वीडियो को देखें, अच्छे से पढ़ें, उसके बाद इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। रिवीजन के लिए बहुत जरूरी होता है, मस्ट होता है। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग द्वारा सतत विकास लक्ष्य यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स और डैशबोर्ड 2021 के अनुसार लैंगिक समानता में छत्तीसगढ़ को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ, छत्तीसगढ़ की स्थिति किस प्रकार से है। ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार से रहा, आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, मेंस के लिए भी प्रीलिम्स के लिए भी। अगर अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हो तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वो वीडियो को देख लीजिएगा, उसके बाद आंसर कीजिएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस निवासी ने दुनिया के सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर सफल चढ़ाई की है। ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार से रहा, जो चारों ऑप्शन यहां पर दिया हुआ है छत्तीसगढ़ के बहुत ही प्रसिद्ध पर्वतरोही है। इनका नाम आप लोग चारों का जरूर याद रखिएगा, अगर आगे पीछे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपसे बनना चाहिए, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित बटरफ्लाई ट्रेजर ऑफ छत्तीसगढ़ पुस्तक में छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली कितनी तितलियों की प्रजातियों का वर्णन किया गया है। ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार से रहा, आंसर नीचे कॉमेंट सेक्शन में, ठीक। चलिए इसके बाद आज का हम अपना एनालिसिस वीडियो शुरू करते हैं, जिसमें आज का जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप इसका जो भी इंपॉर्टेंट डेटा है इसका वैल्यू एडिशन के तौर पर आप मेंस में भी इस्तेमाल कर सकते हो अगर कहीं आपको लगे तो, और वनडे एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। टॉपिक है सुशासन में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट ये बात ध्यान रखिएगा कि एक सुशासन दिवस मनाया जाता है। ये बात मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आप कंफ्यूज हो सकते हो। सुशासन दिवस कब मनाया जाता है, प्रत्येक वर्ष 25 दिसंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म हुआ था, उन्हीं की याद में प्रत्येक वर्ष 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। और उस दिन भी एक सुशासन रिपोर्ट भारत सरकार की तरफ से जारी किया जाता है, लेकिन यह जो रिपोर्ट रिलीज किया गया है एक एनजीओ की तरफ से, यानी कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है सेंटर फॉर साइंस एंड एडवांसमेंट, इसके द्वारा इस इंडेक्स को जारी किया गया है। इस इंडेक्स में रायपुर यानी कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर को गुड गवर्नेंस में सेकंड रैंक प्राप्त हुआ है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसके अलावा ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स भी इसी के द्वारा जारी किया गया है, यानी कि सेंटर फॉर साइंस एंड एडवांसमेंट के द्वारा। और इसमें जो है छत्तीसगढ़ की राजधानी को पूरे देश भर में 8वें स्थान पर रखा गया है। तो दो बातें यहां पर आपको याद रखना है, एक गुड गवर्नेंस में इसी के इंडेक्स में रायपुर को दूसरा स्थान मिला है, और एक इज ऑफ लिविंग इंडेक्स यानी कि रहने के लिए कितना सरल है उस राजधानी में यानी कि उस शहर में, उसमें जो है आपके रायपुर को 8वें स्थान पर रखा गया है। इसमें आप देख सकते हो इज ऑफ लिविंग इंडेक्स में यहां पर आपको रायपुर जो है 8वें स्थान पर दिखेगा, इसके ऊपर भोपाल और पहले स्थान पर आपका बेंगलोर दिखेगा। अगर हम गुड गवर्नेंस यानी कि सुशासन की बात करें तो इसमें पहले स्थान पर है भोपाल, और दिल्ली अगर हम कैपिटल की बात करें तो वो है आपका चौथे स्थान पे, ठीक। और ये जो इंडेक्स है इज ऑफ लिविंग इंडेक्स का है,
तो याद रखिएगा इन सारी बातों को। रायपुर का स्थान किस प्रकार से है, छत्तीसगढ़ का स्थान किस प्रकार से है, छत्तीसगढ़ में सिर्फ रायपुर का इसमें इंडेक्स जारी किया गया है, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक, और एक इज ऑफ लिविंग इंडेक्स और जारी किया जाता है जो कि भारत सरकार के आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है, वो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत इज ऑफ लिविंग इंडेक्स जारी किया जाता है, वो भी प्रत्येक वर्ष जारी किया जाता है। तो दोनों इंडेक्स में फर्क है क्योंकि जारी करने वाली जो संस्था है वो अलग अलग है, तो यहां पर कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़े। तो यहां पर और कुछ चीजों को देख लो, चार पैरामीटर्स होते हैं इस इंडेक्स को जारी करने के लिए। इस एजेंसी के द्वारा चार पैरामीटर तैयार किए गए हैं, जिसमें सबसे पहला है जीवन की गुणवत्ता किस प्रकार से है उस क्षेत्र में, आर्थिक क्षमता किस प्रकार से है, स्थिरता और नागरिकों की जो धारणा है वो किस प्रकार से है। तो ये चार पैरामीटर है। सेंटर फॉर साइंस एंड एडवांसमेंट यानी कि SCSE के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, एक नॉट फॉर प्रॉफिट पब्लिक इंटरेस्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसका फुल फॉर्म अगर आप देखोगे तो सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट है। कब स्टैब्लिश किया गया, तो इसे स्टैब्लिश किया गया था 1980 में। क्या करती है संगठन, तो भारत में पर्यावरण, खराब नियोजन, जलवायु परिवर्तन और ऐसे ऐसे मामले जो सरकार के द्वारा जो नीति तैयार किया जाता है वो नीति किस प्रकार से इम्प्लीमेंट हो रहा है, लोगों की रहन सहन में किस प्रकार से बदलाव आ रहा है, इन सब पर नजर रखने का काम करती है और उसके बाद जो है रैंकिंग भी रिलीज करती है। तो इस एजेंसी के बारे में भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला टॉपिक है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी, दोनों चीजों को आप बेहतर तरीके से यूज कर सकते हो। कहां पर यूज करना है ये आपकी कैपेबिलिटी यानी कि क्षमता पर डिपेंड करता है कि आप क्वेश्चन को कितने बेहतर तरीके से समझ पाए हो, उस आधार पर आप बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हो। तो टॉपिक क्या है, छत्तीसगढ़ जल जीवन मिशन। ये छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन का सेकेंड फेज है। पहला फेज आपका 2020 में जारी ही किया गया था और 2020 में जब जारी किया गया था तो उस समय छत्तीसगढ़ में 5,66,000 घरों में यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों के घरों में नल का कनेक्शन दिया गया था। ठीक है, अब हम यहां पर ये जो सेकेंड फेज शुरू किया गया है छत्तीसगढ़ में इसके बारे में समझ लेते हैं। तो लक्ष्य रखा गया है इस फेज के तहत कि 2023 तक 45,48,000 ग्रामीण परिवारों को उनके घर में नल का कनेक्शन बिल्कुल मुफ्त दिया जाएगा। किस मिशन के तहत, छत्तीसगढ़ जल जीवन मिशन के तहत, या फिर जल जीवन मिशन ही सिर्फ लिख सकते हो। ये डेटा याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2023 तक लक्ष्य डायरेक्ट आपसे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है या फिर आप वैल्यू एडिशन के तौर पर मेंस में भी इस्तेमाल कर सकते हो कि 45,48,000 ग्रामीण परिवारों को वर्ष 2023 तक उनके घर में नल का कनेक्शन पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा। और इस वर्ष के बजट में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जो है ग्रामीण क्षेत्रों में नल का कनेक्शन पहुंचाने के लिए 850 करोड़ रुपए का प्रावधान भी रखा गया है। अब छत्तीसगढ़, हम यहां पर जल जीवन मिशन के बारे में बात किए तो ये जल जीवन मिशन जो है एक केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, उसी के तहत छत्तीसगढ़ में भी इंप्लीमेंट किया गया है। और इसमें जो बजट का रेशियो है वो 60-40 का है, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में नल का कनेक्शन पहुंचाने के लिए इस योजना के तहत 60% जो खर्च होगा वो केंद्र सरकार वहन करेगी और 40% जो खर्च होगा वो राज्य सरकार वहन करेगी। लेकिन जल जीवन मिशन जो है एक केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई योजना है। कब शुरू किया गया था इसे, तो 2020 में किया गया था। ठीक, एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जो कि ग्रामीण घर में 2024 तक नल का पानी उपलब्ध कराना है। भारत सरकार के इस मिशन के तहत पूरे भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में 2024 तक हर घर में नल के माध्यम से जल को पहुंचाना जो है वो लक्ष्य निर्धारित किया गया है। और भारत सरकार पिछले फाइनेंशियल ईयर में यानी कि 2020-21 में 2522 करोड़ रुपए का प्रोविजन किया था इसके लिए, और जो मौजूदा वित्त वर्ष है यानी कि 21-22 इसके लिए 5,550 करोड़ रुपए का प्रोविजन किया गया है। और यह योजना भारत सरकार के कौन से मंत्रालय और कौन से डिपार्टमेंट के द्वारा शुरू किया गया है इस बात को भी याद रखिएगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, और डिपार्टमेंट कौन सा है, तो वाटर रिसोर्सेस एंड रिवर डेवलपमेंट की तरफ से ये डिपार्टमेंट जो है हर घर में नल पहुंचाने का काम जल जीवन मिशन के तहत कर रही है। तो छत्तीसगढ़ में किस प्रकार से इंप्लीमेंट किया जा रहा है, छत्तीसगढ़ सरकार ने 2023 तक कंप्लीट करने का वादा किया है। सेंट्रल गवर्नमेंट का यह है कि 2024 तक हर घर में नल कनेक्शन पहुंचाना है। तो ये दोनों पॉइंट को याद रखिएगा, स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और सेंट्रल लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यानी नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको याद रखना है। ठीक,
चलिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को मैं बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी बोलता हूं क्योंकि इससे पहले भी कई बार मैंने मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान के बारे में चर्चा किया है। तो छत्तीसगढ़ में ट्राइबल्स एरिया में, ट्राइबल एरिया से रिलेटेड या फिर ट्राइबल्स पीपल से रिलेटेड कभी भी क्वेश्चन पूछा जाता है मेंस एग्जामिनेशन में भी, तो हेल्थ की इस पॉइंट को आप वैल्यू एडिशन के तौर पर यूज कर सकते हो मेंस के एग्जामिनेशन में भी। वन डे एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, पर इसका जो डेटा है या फिर जो यह जो कैंपेन है या जो यह जो स्कीम है इसका आप बखूबी इस्तेमाल कर सकते हो। कैसे, मैं आगे बताता हूं। तो मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान का सबसे पहले ये समझिए कि जो फोर्थ फेस है वो शुरू हो गया था। पहला फेस कब शुरू हुआ था, तो जनवरी फरवरी आपका 2020 में शुरू हुआ था। उसके बाद जून जुलाई में सेकेंड फेस शुरू हुआ, उसके बाद नवंबर दिसंबर 2020 में ही थर्ड फेस शुरू हुआ, और अब जो है 15 जून से इसका फोर्थ फेस शुरू हुआ है जो कि चलेगा 31 जुलाई तक। और यह जो कैंपेन है बस्तर में बहुत कारगर साबित हुई है। बस्तर में मलेरिया को खत्म करने के लिए जो कैंपेन शुरू किया गया है उसका एक बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिला है। मई 2020 की तुलना में अगर मई 2021 में आप देखोगे तो 39 यानी कि 39% तक वहां पर मलेरिया के जो पेशेंट हैं उनमें कमी देखी गई है। इसीलिए छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने अब इसे बस्तर के 7 जिलों में जो शुरू किया था अब इसका विस्तार जो है 21 जिलों में करने जा रही है। सरगुजा संभाग भी उसमें शामिल होगा, बिलासपुर संभाग भी उसमें शामिल होगा। तो इस तरह से 21 जिलों में इसका विस्तार हो रहा है। वैल्यू एडिशन इस तरह से करना है कि अगर आप वनांचल क्षेत्र में हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य सुविधाओं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान का मेंशन वहां पर जरूर करेंगे। वैल्यू एडिशन बहुत अट्रैक्टिव दिखेगा। और इस डेटा को भी याद करिएगा कि पिछले वर्ष शुरू किया गया मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान बस्तर के क्षेत्र में काफी सफल दिख रहा है। जहां पर बस मलेरिया से ग्रसित बहुत सारे लोगों की मौत हो जाती थी वहां पर अब मलेरिया के मामलों में 39% की कमी देखी जा रही है इस अभियान के तहत। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हो। और सिर्फ इसका यही फायदा नहीं है, सरकार का यह भी दावा है कि मलेरिया उन्मूलन के साथ साथ एनीमिया और माल न्यूट्रिशन को भी खत्म करने में वहां पर यह कैंपेन बहुत सफल कारगर हो रहा है। माल न्यूट्रिशन में भी छत्तीसगढ़ बहुत आगे था, इस बात को भी आपको पता है। उसके बाद सुपोषण अभियान चलाया गया छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 2 अक्टूबर 2019 से, वो भी बहुत सफल एक कैंपेन माना जा रहा है, स्कीम माना जा रहा है। तो इस तरह से ये सारे पॉइंट्स को आप बेहतर तरीके से यूज कर सकते हो। क्लियर। इसके अलावा ये भी याद रखिएगा कि मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान किसके द्वारा चलाया जा रहा है या कौन सी संस्था या कौन सा डिपार्टमेंट है, तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ द्वारा इसको चलाया जा रहा है। और कौन कौन से कैंपेन कब कब शुरू हुआ, पहला चरण कब शुरू हुआ, दूसरा चरण कब शुरू हुआ, तीसरा कब शुरू हुआ, चौथा कब शुरू हुआ, कब से कब तक चलेगा, ये सारी चीजें यहाँ पर दिया जा रहा है। एक खास बात और है, याद रखिएगा कि मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान को नीति आयोग और किसके द्वारा, UNDP यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत भी सराहा गया है। और इंटरनेशनल फंडिंग भी जो है बस्तर मुक्त मलेरिया अभियान को किया जा रहा है ताकि मलेरिया को इस क्षेत्र से खत्म किया जा सके। और जैसे मैंने बताया कि छत्तीसगढ़ के अब 21 जिलों में इसका विस्तार किया जा रहा है। ठीक, चलिए आगे बढ़े। डिटेल भी बता देता हूं ताकि आप जब भी मेंस का पेपर लिखो तो वहां पर आप इन चीजों का इस्तेमाल कर सको। ये आपका प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज 2020 का जो एग्जाम हुआ था इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था, उसका डिस्कस भी मैंने आपसे किया था। टॉपिक है रोका छेका अभियान 2021। तो ये रोका छेका अभियान 2021 है क्योंकि हर साल रोका छेका अभियान शुरू किया जाता है इसी मौसम में, बरसात के मौसम में। क्योंकि जो आवारा पशु होते हैं, आवारा पशु में कोई भी पशु आ सकता है, गाय भैंस बकरी भेड़ कुछ भी आ सकता है, उनकी वजह से फसलों की भी बर्बादी होती है। वो रोड पे भी आ जाते हैं क्योंकि खेतों में पानी भरा रहता है, रोड पे आने की वजह से उससे एक्सीडेंट भी होता है। तो यहाँ पर पशुओं को सुरक्षित करने के लिए, फसलों को सुरक्षित करने के लिए प्रत्येक वर्ष जो है प्रदेश सरकार द्वारा इसी समय रोका छेका अभियान मनाया जाता है यानी कि शुरू किया जाता है। और इस वर्ष भी 1 जुलाई से जो है इस अभियान को शुरू किया जा रहा है। और इस अभियान के तहत जितने भी आवारा पशु हैं उन्हें कोशिश किया जाएगा कि जो सुराजी गांव योजना के तहत में जितने भी गौठान का निर्माण किया गया उन गौठानों में इन्हें रखा जाए, प्रॉपर वहां पर चारा उपलब्ध कराया जाए। ये जो है छत्तीसगढ़ सरकार ने एक पूरा प्रारूप तैयार किया है रोका छेका अभियान के तहत में। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि गौठान सुराजी गांव योजना याद है, नरवा गरवा घुरवा बाड़ी, जिसमें गरवा के तहत गौठानों का निर्माण किया जा रहा था। तो 10,000, ये डेटा याद रखिएगा, लेटेस्ट है, इंपॉर्टेंट हो सकता है,
10,000 यहां पर आपका 57 गौठानों की जो अनुमति है यहां पर स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जारी कर दी गई है, जिसमें से अब तक 5,820 गौठानों का निर्माण किया जा चुका है यहां पर, यानी कि ये अभी वर्तमान समय में कार्य कर रहे हैं। ये भी डेटा अगर कहीं पर आपको लगता है तो बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हो, लेटेस्ट है। ठीक, चलिए आगे बढ़े। 21 जून कौन सा दिवस है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया था? 2015 में मनाया गया था। इस वर्ष कौन सा था? 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था। छत्तीसगढ़ में भी मनाया गया और छत्तीसगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर एक वर्चुअल मैराथन का आयोजन किया गया था। उसके लिए छत्तीसगढ़ को जो है गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है इस वर्चुअल मैराथन को। ठीक है, किस लिए? तो ये वर्चुअल योग मैराथन जो था वो सर्वाधिक पंजीयन के लिए गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में छत्तीसगढ़ को शामिल किया गया। याद रखिएगा, वन डे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। प्रदेश के सभी जिले यानी कि 28 जिलों में कुल 10,41,595 लोगों ने इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया था वर्चुअल योग मैराथन के लिए। इतने बड़े नंबर के लिए ही गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने मोस्ट पीपल रजिस्टर फॉर अ वर्चुअल योगा मैराथन के लिए छत्तीसगढ़ को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया है। याद रखिएगा, वन डे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक, चलिए अगला टॉपिक है 100% कोरोना टीका। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है वन डे एग्जाम के लिए। कहां? तो दुर्ग जिले का तर्रा गांव है और ये कौन से विकास खंड में आता है? तो पाटन विकास खंड में ये आपका तर्रा गांव आता है, दुर्ग जिले में स्थित है। यह प्रदेश का पहला ऐसा गांव है जहां 18 वर्ष से अधिक उम्र के ग्रामीणों को 100% टीकाकरण किया जा चुका है। यानी कि उस गांव में जितने भी लोग हैं जो 18 से ऊपर के हैं, इन सभी को 100% वैक्सीनेटेड कर दिया गया है। अगर जो कोरोना से पीड़ित है उनको छोड़ दें या फिर जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको छोड़ दें, तो पूरी तरह से 100% टीकाकरण हो चुका है। वन डे एग्जाम में क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है, इसलिए याद रखिएगा। ठीक, चलिए अगला टॉपिक पौधा तुहर द्वार। ये वन डे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये हरियर छत्तीसगढ़ जो हर साल इसी मौसम में शुरू किया जाता है, तो वही स्कीम है और उसी के अंतर्गत पौधा तुहर द्वार शुरू किया गया है। पौधा तुहर द्वार के मतलब क्या है? मतलब यह है कि वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए और उसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने एक बहुत ही अच्छी पहल की है। पहल यह है कि आप सरकार को फोन करो और सरकार जो है वृक्षारोपण के लिए पौधा आपके घर पहुंचाएगी और इसका नाम दिया गया है पौधा तुहर द्वार। ये चलाया जा रहा है वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा। कब से शुरू किया गया है? याद रखिएगा, 25 जून से पौधा तुहर द्वार कार्यक्रम का जो वितरण है वो शुरू किया गया है और लक्ष्य रखा गया है इस वर्ष के लिए 2,27,00,000 पौधों का वितरण। तो पौधा तुहर द्वार में इतनी बातों को आपको यहां पर याद रखना है। क्लियर, चलिए अगला टॉपिक है। यह एक पत्रिका है जो कि हाल ही में रिलीज किया गया है। इस पत्रिका का नाम है जड़ी बूटी दैनदिनी 2021। जो भी गवर्नमेंट के मैगजीन्स आते हैं या जो भी पत्रिका रिलीज किए जाते हैं, ये आपके वन डे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो यह पत्रिका किसके द्वारा रिलीज किया गया है? तो यह पत्रिका कौन से डिपार्टमेंट की तरफ से तैयार किया गया, सबसे पहले याद रखिएगा। तो डिपार्टमेंट है छत्तीसगढ़ आदिवासी स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा एवं औषधि पादप बोर्ड द्वारा इस पत्रिका को तैयार किया गया है, जिसका नाम है जड़ी बूटी दैनदिनी 2021। इसका विमोचन जो है मुख्यमंत्री द्वारा किया गया है। और क्या खास बात है इस पत्रिका में? तो इसमें जितने भी वैद्यों की सूची है वो दिया गया है, पारंपरिक ज्ञान पर आधारित परामर्श दिया गया है, किस प्रकार से आप औषधीय पौधे जो है उसका उत्पादन कर सकते हो, घरों में लगा सकते हो, खेती हेतु अनुदान राशि किस प्रकार से आपको मिल सकता है औषधीय पौधों से रिलेटेड, उन सभी का यहाँ पर व्याख्या किया गया है। मानव शरीर के रोगों में उपचार होने वाले औषधीय पौधे किस प्रकार से काम करते हैं, कौन कौन से पौधे हो सकते हैं, इन सभी पौधों का जो डिटेल है इसमें दिया गया है। तो जड़ी बूटी दैनदिनी के बारे में याद रखिएगा किसके द्वारा तैयार किया गया है। और हाँ, इस यह जो बोर्ड है औषधि पादा बोर्ड, इसके द्वारा पहली बार जड़ी बूटी दैनदिनी पत्रिका का विमोचन किया गया, इसलिए वन डे एग्जाम के लिए और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बस इतनी बात इसमें याद रखिएगा, कुछ खास नहीं है, बस वन डे एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए इतनी बातों को आपको याद रखना है। 2020 में हमने एक टॉपिक सुना था कि गुरु घासीदास जो नेशनल पार्क है कुरिया में स्थित है, आपको पता है, इसे टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा और यह प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व होगा।
एक स्टेप और बढ़ चुका है आगे जो भी प्रोसेस होता है कि गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और इसके साथ में ही तमोर पिंगला को भी टाइगर रिजर्व घोषित किया जाएगा। ठीक है, इसके बारे में जो भी यहाँ पर फैक्ट्स हैं इसे एक बार देख लेते हैं। तो इन दोनों को घोषित किया जाना है टाइगर रिजर्व, इसके लिए राज्य वन्य जीव बोर्ड की तरफ से प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जब मिल जाएगा और सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल जब मिल जाता है तो इसे जो है टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया जाएगा। एरिया कितना होगा, तो कोर जोन में 2049 स्क्वायर किलोमीटर होगा और जो बफर जोन होगा इसमें 780 स्क्वायर किलोमीटर होगा और कुल अगर देखोगे तो 2829 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्रफल जो है इस टाइगर रिजर्व में शामिल होंगे, दोनों को मिलाकर मैं बता रहा हूं। तो यहां पर याद रखिएगा एरिया कितना होने वाला है इस टाइगर रिजर्व का, इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए अब यहां पर गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान क्वेश्चन पूछा जा सकता है वर्ल्ड एग्जाम में, तो आपको पता होना चाहिए कि गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान जो है बैकुंठपुर जिला कौन सा, कोरिया जिले में स्थित है। स्थापना कब हुआ था यानी कि इसे नेशनल पार्क का दर्जा कब मिला था, तो 2001 में मिला था और इसे पहले जो है संजय राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता था। पहले से ये नेशनल पार्क है लेकिन ये संजय राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता था। इसे गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान का नाम 2001 में मिला था और जब ये संजय राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता था तो उस समय ये सिंधी मध्य प्रदेश का भाग था। और इस राष्ट्रीय उद्यान का अगर टोटल एरिया आप देखोगे यानी कि कितने क्षेत्रफल में है, तो 1440 यानी कि 1440.71 स्क्वायर किलोमीटर है और इस राष्ट्रीय उद्यान से हसदेव, गोपद और अर्पा जैसी नदी जो है वो बहती है। तो ये आपको गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के बारे में भी इतने पॉइंट्स को याद रखना है। ध्यान रखिएगा जब भी आप करंट अफेयर पढ़ो तो सिर्फ जो टॉपिक न्यूज में है वो पढ़कर आगे ना निकले, जो भी टॉपिक्स होता है उस टॉपिक में आप ढूंढने की कोशिश करो कि क्या क्या की पॉइंट्स है जिससे कि मेरा स्टैटिक पार्ट भी साथ में प्रिपेयर होते चले। और अगर उसका स्टैटिक पार्ट आपने पढ़ रखा है तो साथ में आपका रिविजन होता चले। अगर बार बार चीजें सामने आएंगी तो उन चीजों को आप कभी नहीं भूलोगे, हमेशा याद रहेगा। तो जैसे हमने इस टॉपिक को डिस्कस किया कि इसे टाइगर रिजर्व बनाया जाना है, तो इस टॉपिक में आया गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और इस टॉपिक में आया तमोर पिंगला अभ्यारण। तमोर पिंगला अभ्यारण कब स्टैब्लिश किया गया था, जैसे आया तो आपको माइंड पे क्लिक होगा ना कि तमोर पिंगला के बारे में आपने कभी पढ़ा है या फिर छत्तीसगढ़ के टॉपिक में आपके इसके बारे में पढ़ा है। तो इसे स्टैब्लिश कब किया गया, 1978। कौन से जिले में स्थित है ये भी याद रखिएगा, जिला का नाम है सूरजपुर। और ये भी याद रखिएगा कि अगर एरिया वाइज छत्तीसगढ़ के सेंचुरी के बारे में आप जानना चाहते हो, अभ्यारण कौन सा सबसे बड़ा अभ्यारण है छत्तीसगढ़ में, तो सबसे बड़ा अभ्यारण है तमोर पिंगला अभ्यारण ही है जो सबसे बड़ा है। कितना है इसका एरिया, तो इसका एरिया है 608.55 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक, तो इतनी बातों को आपको यहां पर ध्यान रखना है। चलिए अगला टॉपिक है, बस्तर में तैयार किया जा रहा है देश का दूसरा सबसे बड़ा फूड पार्क। ये देश का दूसरा सबसे बड़ा फूड पार्क जो यहां पर मेंशन है, इस बात को ध्यान रखिएगा कि वनोपज से रिलेटेड ये देश का सबसे बड़ा दूसरा सबसे बड़ा फूड पार्क होगा। ऐसे मेगा फूड पार्क की बात नहीं करें जहां पर सभी फूड से रिलेटेड वहां पर प्रोसेसिंग होता है, उसकी बात नहीं कर रहा हूं। वनोपज से रिलेटेड ये देश का दूसरा सबसे बड़ा फूड पार्क होगा जो कि बस्तर में बन रहा है। इस ऐसा दावा छत्तीसगढ़ सरकार के बस्तर डिवीजन के जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है उसके द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, और इससे ये दावा किया जा रहा है कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यहां पर 50,000 लोगों को रोजगार मिल सकता है। और इस फूड पार्क में बस्तर के लघु वनोपज के एक जगह इकट्ठा कर इसे प्रोडक्ट के रूप में तैयार किया जाएगा, इसके बाद देश विदेशों में इसे एक्सपोर्ट किया जाएगा ट्राइफेड की मदद से। ट्राइफेड आदिवासी मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली एक एजेंसी है जो कि वनोपज से संबंधित और आदिवासियों के उत्थान से संबंधित कार्य करती है। क्लियर है, कई बार इसके बारे में बता चुका हूं। ये फूड पार्क जो है लगभग 10 एकड़ में तैयार किया जाएगा और बस्तर जिले का सिमरा गांव है यहीं पर इसे तैयार किया जा रहा है और बहुत जल्दी तैयार भी हो जाएगा, ऐसा प्रशासन का दावा है। क्लियर है, एक बात और यहां पर ध्यान रखिएगा, फूड पार्क से ही रिलेटेड है लेकिन ये मेगा फूड पार्क से रिलेटेड है जिसका निर्माण भारत सरकार के द्वारा किया गया है। कहां किया गया है, तो रायपुर के सरोरा में किया गया है। ठीक, इसका निर्माण जो है 145 करोड़ रुपए की मदद से किया गया है।
ठीक, और कितने एकड़ में स्थित है, तो ये जो स्थित है 64 एकड़ में स्थित है, जिसका जो उद्घाटन है केंद्रीय जो कृषि मंत्री है नरेंद्र सिंह तोमर उनके द्वारा किया गया है। कब किया गया है? 3 जून को किया गया है। तो इस बात को भी याद रखिएगा, एक स्कीम चलाया जा रहा है एक्चुअली में, मेगा फूड पार्क स्कीम, जिसके तहत में फूड प्रोसेसिंग के लिए, ताकि वो बेहतर जगह से वहां पर कोल्ड स्टोरेज में रह सके, अच्छी जगह पर रह सके, उसका ध्यान रखा जा सके, इसलिए भारत सरकार के द्वारा 2008 से ही फूड प्रोसेसिंग स्कीम चलाया जा रहा है, जिसमें पूरे देश भर में मेगा फूड पार्क एस्टैब्लिश किया जा रहा है, और अलग अलग जगहों पर अभी तक लगभग 42 मेगा फूड पार्क एस्टैब्लिश हो चुका है देश में। सबसे बड़ा मेगा फूड पार्क आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है, उसके बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा मेगा फूड पार्क जो है आपका धमतरी में जो एस्टैब्लिश किया गया है 2018 में, जिसका उद्घाटन 2020 में हुआ, देश का दूसरा सबसे बड़ा मेगा फूड पार्क है। ये कंफ्यूज मत होइएगा, ये वनोपज से संबंधित दावा किया जा रहा है कि देश का दूसरा सबसे बड़ा फूड पार्क होगा, क्लियर है। तो रायपुर में भी एक अभी 3 जून को फूड पार्क एस्टैब्लिश किया गया, इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना होगा, क्लियर। चलिए अगला जो टॉपिक है ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है स्टैटिक के लिए, स्टैटिक जब भी आप छत्तीसगढ़ कार्टन कल्चर पढ़ते हो तो ये इस टॉपिक को पढ़ रखा होगा, लेकिन अगर न्यूज में है तो आपको डायनेमिक पार्ट को कवर करते हुए रिवीजन आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, टॉपिक का नाम है गूंचा महापर्व। कहाँ मनाया जाता है? बस्तर के जगदलपुर में मनाया जाता है। यहाँ पर जगदलपुर में एक जगन्नाथ मंदिर है, यही पर पर्व मनाया जा रहा है, और यह पर्व जो है 24 जून से शुरू हुआ है और यह चलेगा 20 जुलाई तक। बस्तर में यह पर्व जो है 614 सालों से इस महापर्व को मनाया जाता है। इस मौके पर रथ यात्रा निकलता है और इस विशालकाय रथ में 3 भगवान होते हैं, जिसमें एक भगवान जगन्नाथ होते हैं, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा को रथ में बिठाकर पूरे शहर में घुमाया जाता है और इस पर्व को धूमधाम से मनाया जाता है। तो थोड़ा सा बेसिक अगर न्यूज में है मनाया जा रहा है तो आपको पता होना चाहिए, आप पढ़ रखे हैं तो अच्छी बात है, आपका यहाँ पर रिविजन हो जाएगा। तो गूंचा महापर्व के बारे में आपको याद रखना है। अगला टॉपिक है उमा महेश्वर की 5वीं सदी की प्रतिमा खुदाई में प्राप्त हुआ है, कहां? रायपुर के आरंग विकासखंड में। आरंग में पिछले कई सालों से खुदाई किया जा रहा है और यहां पर अलग अलग प्रतिमाएं मिलने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है, और इसी बीच अभी हाल ही में, हालांकि अभी वैज्ञानिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अधिकारियों का दावा है कि जो अभी उमा महेश्वर की जो प्रतिमा प्राप्त हुई है एक तालाब से, वह प्रतिमा जो है 5वीं सदी की है। उमा महेश्वर मतलब यहां पर भगवान शंकर और माता पार्वती से है, क्लियर है। चलिए, तो आरंग में ये खुदाई किया जा रहा है, याद रखिएगा पुरातत्विक विभाग जो है खुदाई कर रहा है। प्राथमिक आकलन में पांडु वंशीय का 6वीं शताब्दी हो सकती है, ऐसा भी दावा किया जा रहा है, और अभी प्राप्त प्रतिमाओं के अधिकारियों का कहना है कि माता चामुंडा, भगवान विष्णु और उमा महेश्वर यानी शंकर पार्वती तथा जैन तीर्थकर की है। जो भी यहां पर प्रतिमाएं प्राप्त हुई है उन्हें राजधानी के संग्रहालय में रखा जा रहा है, और इससे पूर्व भी आरंग में अगर आप देखोगे तो राजश्री तुल्य कुल वंश के राजा जो भीमसेन था उनका भी ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है और जिसे संग्रहालय में रखा गया है रायपुर में। तो यहाँ पर लगातार पिछले कई वर्षों से खुदाई जारी है और विभिन्न प्रकार के ऐतिहासिक जो प्रतिमाएं हैं उसका मिलने का सिलसिला आरंग में जारी है, और इस प्रकार से अधिकारियों का ये भी दावा है कि आरंग जो है पांडुवंशीय काल का एक बहुत ही सांस्कृतिक गढ़ हुआ करता था। आगे जाकर बहुत सारे यहाँ पर खुलासे होने हैं, तो इस बात को याद रखिएगा कि यहाँ पर बहुत सारे प्रतिमाएं मिल रही हैं, वो प्रतिमाएं किसके प्रकार से हैं, कौन से सदी के हैं, कौन से काल के हैं, तो इन सब बातों को आपको करंट अफेयर्स से रिलेटेड यहाँ पर याद रखना है, हो सकता है क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो ये था आज का पूरा, यानी कि 30 जून तक के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उन सबको हमने एनालिसिस कर लिया। अब इसके बाद जो भी जुलाई का करंट अफेयर्स होगा 7-10 दिन में हम उसे भी कवर कर लेंगे। तो आज के इस लेक्चर में फिलहाल इतना ही। टेलीग्राम से पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, 24 घंटे के बाद वहां पर अपलोड हो जाता है। इस लेक्चर में फिलहाल इतना ही। थैंक यू। सीजीपीएससी की संपूर्ण तैयारी के लिए कंपटीशन कम्युनिटी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।